एंड गुड मॉर्निंग। तो इससे पहले जो आपने क्लिपिंग देखी थी वो रात की थी, रात को बाहर का लाइटिंग भी जो सब कुछ था वो डेकोरेशन हो गया। अभी पूरी जगह जो है बहुत अच्छी ब्राइटनेस है बालकनी में एंड बाहर भी। और ये ऑफिस से आते टाइम जो भी पटाखे थे वो सब खरीद के लेके आ गए थे और सील्ड लेके आए थे, पूरा डब्बे पे टेप लगा के लेके आए थे। पर आदित्य ने, उसको इतनी क्यूरियोसिटी कि मेरे को देखना है देखना है देखना है, तो उसने पूरा खोल के जो है आपके सामने उसने जो है पूरा मैट पे लगा दिया था वहाँ पे। और देखा आपने उसमें तो बहुत सारे मतलब मैक्सिमम देखने में कुछ जो है बड़े दिख रहे लेकिन वो बच्चों वाले फुसड्डी वाले ही जो है पटाखे हैं। और हम लोग क्या करते क्योंकि बाकी सब भी सब भी दिवाली बनाते हैं तो जो भी नेबर्स वेबर्स होते हैं उनको भी बहुत सारे दे देते हैं ताकि साथ में मिलजुल के कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बट इतने ज़्यादा हम जलाते नहीं हैं, मैं और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं जलाते, मैं भी थोड़े बहुत तो मैं जलाती हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड तो मैक्सिमम खड़े होकर ही देखते हैं। तो अभी तो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी जो कुछ दिन पहले पहनी थी, शाम को मोस्ट प्रोबेबली चेंज करूँगी। क्या पहनूँगी कुछ डिसाइड नहीं किया है फिलहाल, तो नहा धो के मैं रेडी हो गई। और देखिए मैंने पीछे फेरी लाइट्स लगा दी है यहाँ पर भी, और हॉल में भी एक जो पार्टीशन वाला कर्टन था उसको भी चेंज किया है, वो भी दिखाती हूँ। तो अभी पूरे घर का लुक मुझे अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है बट डिफरेंस ओनली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखो वो रे कर्टन टिंग टिंग टिंग। तो ये वाले जो है मैंने पार्टीशंस में लगाए हैं कर्टन, तो मैं भी पिंक, सराउंडिंग भी पिंक, सब कुछ पिंक, ओनली दीवारें जो हैं सफ़ेद सफ़ेद है। और बाहर तो लाइट्स अभी दिखेगी नहीं शायद आपको, हाँ दिख रही है ना। तो ये है अभी, ये वाले कर्टेंस कैसे लग रहे हैं आपको, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं? काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। अब मैं यहाँ से बेडरूम का लुक दिखाती हूँ, लाइट्स जलती हुई दिखेगी नहीं अभी। अरे वाह, दिस लुक इज़ ऑसम, आई मीन मेरा नहीं पूरे घर का बेडरूम का, ऐसे देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। तो घर को घर बनाने में जितना अभी देखने में अच्छा लग रहा है, इसको क्रिएट करने में, एक दीवार को या मतलब क्या बोलते हैं, एक घर को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है, उसको मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी फैमिली के साथ खुश है और आप जब सोचते हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं बस अपनों के लिए कर रहे हैं, तभी वो चीज़ होगी। अगर कोई भी इस इंटेंशन में रहेगा कि क्या करना यार सजा के, कल तो ख़राब होना ही है, कल तो फिर एक दिन का ही त्यौहार है, इतना सब कुछ क्या करने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए एक औरत का घर को घर बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि पूरी जो फैमिली है, एक लड़की एक औरत एक वुमेन की वजह से ही चलती है। तो अगर कोई भी फैमिली खुशहाल है, यानी कि मतलब उसकी जो गृहिणी है शी इज़ डूइंग हर जॉब वेरी वेल, मैं ऐसा नहीं कहती कि हस्बैंड नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो होता है घर को संभालने का, सब कुछ करने का, बेशक एक औरत हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो बट स्टिल वो सब कुछ करती है, घर का काम भी देखती है और बाहर का काम भी देखती है। तो हैट्स ऑफ टू ऑल दोज हु आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ्स एंड आई हैट्स ऑफ टू एवरी सिंगल वुमेन आउट देयर। तो इसी बात पे आप सब लोग को मेरी तरफ से हैप्पी 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 वेरी हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली एंड बी सेफ इन दिस दीपावली, हैव फन एंड एन्जॉय विथ योर फैमिली। और अभी अभी जो है मैं बेडरूम में भी आ चुकी हूँ और थोड़ी बहुत डेकोरेशन इन द सेंस कि जो रंगोली बनानी थी, जो भी पाउडर बनाना था रंगोली का, पाउडर तो है वही मैंने सैंड में मिक्स नहीं किया क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा और कपड़े भी बहुत है फोल्ड करने वाले। एंड फूल भी भैया को बोले थे लाने के लिए, वो अभी तक लेके नहीं आए हैं। हाँ लेट्स सी कि आज की शाम तक कितना मैं कर पाती हूँ जो मैं सोच रही हूँ। एंड आज के वीडियो में शायद पूरा दीपावली का सेलिब्रेशन मैं नहीं दिखा पाऊँगी, कल के वीडियो में पक्का दिखाऊँगी क्योंकि आज का जो अभी तक चल रहा है वो तो हो जाएगा क्योंकि मेरा जो शेड्यूल होता है पोस्ट करने का वो शाम का होता है। तो जब तक मे बी दोपहर तक का जो भी शूट होगा या मैक्सिमम थोड़ा बहुत शाम तक का जो भी शूट होगा, जहाँ तक हो पाता है उतना शूट करके आप लोग के लिए मैं वीडियो जो है पोस्ट कर दूँगी और बाकी जो भी होगा वो आप अगले व्लॉग में देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, जो रंगोली पाउडर है उसको बना लेते हैं
क्योंकि उसका पाउडर जो है बहुत स्टिकी होता है, उसको स्लिपरी बनाना है तो उसमें सैंड या नमक कुछ मिक्स करना पड़ेगा। नमक मिक्स करेंगे तो डब्बे डब्बे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए जो है मैंने सैंड ही मंगवा ली थी। तो सैंड ही मिक्स करनी है और सैंड को भी जो है पूरा छलनी करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा डस्ट रहता है। हमको जो खाली है वो उसकी सैंड सैंड चाहिए, उसका कचरा पत्थर वत्थर नहीं चाहिए होता है। तो चलिए वो भी कर लेते हैं अभी। इससे पहले जब मैंने आपको दिखाया था पूरा सेटअप, तब जो है फूल वूल नहीं आए थे, अब आ गए हैं। तो मैंने पूरे फूल जो लगा दिए हैं और रंगोली पाउडर भी मैंने सोचा था दिखाएंगे, पर टाइम ही नहीं मिला। सुबह से विदाउट स्टॉप काम कर रही हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ काम जो है हो ही जा रहा है। तो मैं अभी आपको एक थोड़ा सा लुक दे देती हूँ, ऑलरेडी मैं दिखा चुकी हूँ, ओनली बस फूल लगाए हैं। तो वो देखिए टेबल एंड बाहर का दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जो माला आती है ना, उसको बीच में से काट के ऐसे करके लगा दिया है। बड़ी माला लाने के लिए बोला था, छोटी सी माला लेके आया है भैया। और बाहर की लाइटिंग तो ऑलरेडी कल आई मीन शूट कर रही थी, पहले भी देख ली होगी आपने। उसके अलावा देखिए लाइटिंग और वहाँ पे फूल से डेकोरेशन, और वहाँ बूट रख के ऊपर भी थोड़ा सा डेकोरेशन, और बाहर से देखिए घर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इतनी सी डेकोरेशन है, और डाइनिंग टेबल की जो
करिए। वैसे करते करते तो आपने देख ही ली थी, तो एक फुल लुक दिखा देती हूँ आपको। ये देखो, तो ये थी पूरी दिवाली की तैयारियाँ या जो भी है सब कुछ, वो सब कुछ था जो मैंने आपको दिखा दिया। और बाकी जो होगा वो आप अगले व्लॉग में देख लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी शाम हो चुकी है, 5:30 हो रहे हैं, तो उसके बाद जो है रेडी होना है और दीपक वीपक लगाने हैं, वो भी सारे जो भी होते हैं तो वो सब करूँगी मैं। मेरे को डेकोरेशन करना बहुत ही पसंद है एंड दिवाली एक ऐसा ओकेशन है जहाँ पे लाइटिंग्स की वजह से और भी अच्छा लगता है जो भी डेकोरेशन हम करते हैं। तो अभी का व्लॉग जो है यहाँ पे एंड करती हूँ। तो आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा विद द बेल घंटी बजा के, ताकि नोटिफिकेशन आए। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और इसका जो कंटिन्यूएशन होगा दिवाली सेलिब्रेशन, उसको मेरे अगले व्लॉग में देखना ना भूलिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग टू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।